हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्यो क्लिनिक सीकर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीमारियाँ और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, मच्छर के काटने से होता है और इस सीजन में अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं वो डेंगू फीवर के आ रहे हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो बुखार है, आंखों के पीछे में दर्द होता है, शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो उसमें प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी कम आता है। लेकिन जो इसका सबसे मेन और सबसे मुख्य सिम्टम है वो है जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। डेंगू फीवर में जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन हम ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को हम मैनेज कर पाएं। जब कभी भी किसी को दर्द होता है तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि मेडिकल स्टोर से कोई पेन किलर लेके खाई जाए। डेंगू फीवर में एक तो प्लेटलेट काउंट कम होता है। जब हम कोई भी रैंडम पेन किलर लेकर खाते हैं तो उसमें जो पेन किलर का इफेक्ट होता है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, वो वैसे ही जो अपनी प्लेटलेट्स हैं उसको काम नहीं करने देता। प्लेटलेट्स के अगर हम काम की बात करें तो इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग में ये हेल्प करती है। जब डेंगू के केसेस में हम रैंडम पेन किलर्स खाए ही जाते हैं तो उसके बाद में एक तो वैसे ही प्लेटलेट कम है और एक ये पेन किलर्स जो कुछ प्लेटलेट्स हैं उनको भी अपना काम नहीं करने दे रही हैं। ऐसी स्थिति में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो आपको रेंडमली किसी भी ऐसे पेन किलर को काम में नहीं लेना है बिना अपने डॉक्टर से पूछे हुए। सेकेंड चीज़ हमें ये करनी है कि जब भी कहीं पर भी दर्द होता है, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होता है, तो कई बार हम ठंडा सिकाव करते हैं, कई बार हम गर्म सिकाव करते हैं। डेंगू के केस में हमें क्या करना है, डेंगू एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जब बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है ऐसे में हमें ठंडा सिकाव करना है, बर्फ़ का सिकाव करना है। लेकिन अगर किसी को फिब्राइल फेज है उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, या फिर वे लोग जिनको आर्थराइटिस की भी दिक्कत है उन लोगों को ठंडा सिकाव नहीं करना है, उन्हें गर्म पानी से सिकाव करना है। इससे आपके जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द है वो काफ़ी हद तक ठीक होगा, आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि जब भी कभी किसी को डेंगू फीवर होता है उसमें एक्सरसाइज मूवमेंट अलाउड है या फिर प्रॉपर रेस्ट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जब आपकी डेंगू की जो फिब्राइल कंडीशन होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, पेन काफ़ी ज़्यादा है, उस समय आपको कोई भी बहुत भारी काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज है जो आपका जॉइंट्स का मूवमेंट है, जैसे कि आपकी कलाइयों का मूवमेंट है, कोहनी का मूवमेंट है, कंधों का है, जितने भी जॉइंट्स है उनका मूवमेंट आपको करते रहना है। जॉइंट्स में जितना ज़्यादा आप इनका मूवमेंट करोगे आपको जॉइंट्स और मांसपेशियों का दर्द है उतना ही कम फील होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं करना है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब एक बार बुखार का फेज चला जाता है, पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, तब धीरे धीरे थोड़ा वॉक करना शुरू करें। एकदम से कोई भी भारी काम आपको नहीं करना है, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है डाइट। डाइट में हमें जितनी भी प्रोटीन रिच चीज़ें हैं, प्रोटीन जिनमें काफ़ी ज़्यादा है, सोयाबीन है, स्प्राउट्स है, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कुछ लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं वो हल्का फुल्का नॉन वेज खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड है वो अवॉइड करना है, वही चीज़ें खानी है जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके। होम रेमेडीज काम में ले सकते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती हैं, वो है हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, इन चीज़ों को दूध के साथ या फिर किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। काफ़ी बार जब आपके सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, फीवर बढ़ने लग जाता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रेडनेस ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसी स्थिति में आपको खुद से कभी भी कोई मेडिकेशन नहीं करना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से आपको ज़रूर से कंसल्ट करना है, प्रॉपर आपको अपना डेंगू का टेस्ट करवाना है, प्लेटलेट्स चेक करवानी है। काफ़ी ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स लो जा रही है तो आपको डॉक्टर के देखरेख में अपना ट्रीटमेंट करवाना है।
होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि डेंगू फीवर के जो केसेज है उनको बहुत इफ़ेक्टिवली ठीक करती हैं। डेंगू फीवर के बाद में जो कमजोरी रहती है वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बाद में काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जोड़ों मांसपेशियों में जो कई दिनों तक दर्द बना रहता है, होम्योपैथिक दवाइयाँ उन्हें भी मैनेज करती हैं। डेंगू फीवर में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है, इसका हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स हैं वो ले सकते हैं। अगर आपको डेंगू फीवर है तो आप अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लीजिए, उन्हें अपने पूरे लक्षण बताइए और उनसे प्रॉपर अपनी मेडिसिन्स, डोजेज और उनका रिपीटेशन डिस्कस कीजिए। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों।